आज मैं आपको आलू और परवल की चटपटी सी भुजिया बनाना सिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये दो आलू लेके इस तरीके से लंबे लंबे काट लिए हैं और ये मैंने परवल को इस तरीके से छील लिया है और इसको मैं अब लंबा लंबा काट लूँगी। और ये आप 2 से 3 हरी मिर्ची ले लीजिएगा और इस तरीके से ये हरा धनिया काट के मैंने रख लिया है क्योंकि मैं ऊपर से इसमें डालूंगी। सब्जी में खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। और ये एक अदरक का मैंने इतना टुकड़ा लिया जिसको मैं कद्दूकस कर लूँगी। अब किस तरीके से मैं बनाती हूँ आपको दिखा रही हूँ। अभी मैंने ये परवल भी इस तरीके से पील करके लंबे लंबे आकार में इस तरीके से काट लिए हैं। ये देखिएगा हमने सरसों का तेल डाल लिया है। सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है, आप चाहें तो कोई और तेल भी यूज़ कर सकते हैं। ज़ीरा डाल दिया है, हींग भी डाल दी है और कटी हुई हरी मिर्ची इसके अंदर डाल दी। ये देखिए कटे हुए परवल और आलू इसमें डाल दिए हैं। अभी 1 टेबल स्पून काली मिर्च पाउडर इसके अंदर डाल देंगे। 1 टेबल स्पून नमक भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको अब इसको हम धीमी आँच पे मीडियम आँच पे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। ये देखिएगा इसको अब आप किसी भी एक ढक्कन से कवर करके 4 से 5 मिनट के लिए रख दीजिए। इसको 5 मिनट बाद खोल करके एक बार फिर से चला दीजिएगा। पकाते समय इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो हमने ऑयल डाला है उसमें धीमी आँच पे ही अपने आप ही पक जाती है। अगर आप इसमें ज़्यादा पानी वगैरह डाल देंगे तो फिर इसका स्वाद ख़राब हो जाएगा और ये उतनी कुरकुरी क्रिस्पी नहीं बनेगी। ये बहुत ही आसानी से बनने वाली आलू और परवल की भुजिया होती है, काली मिर्च वाली। कोई मसाला नहीं पीसना है इसमें, सिंपल हमें ज़ीरा हींग से इसको हरी मिर्च डाल के छोंक देना है। और जब आप परवल छीलते हैं तो इसको हल्का सा बस पील ऊपर से कर लीजिएगा। देखिए ये सब्जी बिल्कुल आलू परवल की सूखी भुजिया तैयार हो। अब हम इसके अंदर धनिया और अदरक हमने काट के रखा हुआ था वो भी हम इसके अंदर और डाल देंगे अच्छी तरीके से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही आसान रेसिपी है। आप इसको लंच बॉक्स के लिए भी पैक कर सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी बनने वाली 7 से 8 मिनट के अंदर तैयार हो जाने वाली अच्छी सी पौष्टिक ग्रीन हेल्दी वेजिटेबल है। अगर आप लोग खट्टा खाना पसंद करते हैं थोड़ा सा, तो आप इसमें 4-5 बूंद नींबू के रस की भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा ये चटपटी सी टेस्टी आलू परवल की काली मिर्च वाली भुजिया बन के तैयार हो गई है। आप लोग इसके अंदर बहुत अच्छे से फाइन चॉपिंग करके खूब सारा हरा धनिया डालिएगा। देखिए खाने में पूरी पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप इसको हस्बैंड के लंच बैग्स में या आप घर में पूरी पराठे के साथ ब्रेकफास्ट में खा के बड़ा ही अच्छा इसका आनंद ले सकते हैं। झटपट बनने वाली 5 से 8 मिनट के अंदर तैयार आलू परवल की चटपटी भुजिया। वीडियो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।